ये हैं केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। इस वक्त पूरा हिंदुस्तान कोरोना की मार झेल रहा है, ऐसे में अगर कोई दुआ करने के लिए मस्जिद पहुंच रहा है या मंदिर पहुंच रहा है तो इसमें किसी को ताज्जुब नहीं होना चाहिए। लेकिन मुसलमान अगर मंदिर पहुंच जाए और हिंदू अगर मस्जिद में जाकर दुआ करने लगे तो इसमें ताज्जुब ज़रूर होता है। जी हाँ, केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुँचे और उन्होंने वहाँ जाकर महाकाल के दर्शन किए। वहाँ उन्होंने दुआ की, प्रार्थना की कि मुल्क से जल्द ख़त्म हो जाए। दर्शन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रार्थना क्या की जाती है ये तो नहीं बताना चाहिए, फिर भी हमने देश की जो मौजूदा सिचुएशन है, देश में कोरोना की जो प्रॉब्लम है, उसके लिए वहाँ प्रार्थना की। आरिफ मोहम्मद खान के बारे में आपको बता दें, वो हिंदुस्तान के बेहतरीन गिने चुने इंटेलेक्चुअल मुसलमानों में हैं, लेकिन उनकी कुछ हरकत ऐसी होती है जिससे बहुत से मुसलमान उनको मुसलमान मानने से कतराते हैं। ये आरिफ मोहम्मद खान का अपना ईमान है, अपना मामला है कि उन्हें मंदिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक मुसलमान के लिए ये कैसे मुमकिन है कि वो मंदिर जाए और वहाँ जाकर प्रार्थना करे कि देश से कोरोना ख़त्म हो जाए। ये उन मौलवियों के लिए भी चैलेंज है जो ये तो कहते हैं कि हम दीन की दावत दे रहे हैं, लोगों को इस्लाम की दावत दे रहे हैं, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान जैसे इंटेलेक्चुअल आदमी को वो ये नहीं समझा सके कि आपका कोरोना के लिए दुआ करना तो जायज़ है, लेकिन कोरोना की रोकथाम के लिए मंदिर में जाके प्रार्थना करना ये शायद उचित नहीं है। हम यहाँ आरिफ मोहम्मद खान के ईमान पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मौलाना हजरात सामने आएंगे और वो कहेंगे कि आरिफ मोहम्मद खान ने जो हरकत की है वो एक सच्चा मुसलमान कर ही नहीं सकता। हो सकता है कुछ मौलवी ये भी कह दें कि आरिफ मोहम्मद खान अब मुसलमान रहे ही नहीं। आरिफ मोहम्मद खान के बारे में आप एक बात समझ लीजिए, वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल आदमी है, बहुत ज़्यादा स्टडी की है उन्होंने, उनके पास बहुत अच्छी खासी तालीम है, लेकिन उनकी ये हरकत मुसलमानों में नाराज़गी ज़रूर पैदा करेगी। ये नाराज़गी मुसलमानों की जायज़ होगी या नहीं होगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन उनका मंदिर जाना, वहाँ दर्शन करना, वहाँ जाप करना और वहाँ जाके सर टेकना ये शायद मुसलमानों को पसंद नहीं आए। आरिफ मोहम्मद खान पहले भी अपनी हरकतों से मुसलमानों में बदनाम रहे हैं, मंदिर जाकर प्रार्थना करके उन्होंने एक और ख़राब हरकत शायद कर दी है। अब देखना ये है कि मुसलमानों की तरफ से, ख़ास तौर पर मजहबी रहनुमाओं की तरफ से आरिफ मोहम्मद खान के बारे में कैसी प्रतिक्रिया आती है। आरिफ मोहम्मद खान अगर अपने लिए या मुल्क के लिए कुछ मांगने के लिए मस्जिद के बजाय अगर मंदिर जाते हैं तो ये एक बहुत ख़ास सवाल है। ये मजहबी रहनुमाओं को सोचना चाहिए, उन सारे मौलवियों को सोचना चाहिए जो खुद के बारे में कहते हैं कि मैं दीन के लिए बहुत काम कर रहा हूँ। ये उनके लिए एक चैलेंज है कि आरिफ मोहम्मद खान कुछ मांगने के लिए मस्जिद क्यों नहीं गए, वो मंदिर क्यों गए। उन्हें अगर कुछ मांगना था तो उन्हें मस्जिद जाना चाहिए। वैसे जब मुल्क में कोई परेशानी हो तो ये हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो इसके लिए दुआ करे कि हमारी ये परेशानी कम हो। आरिफ मोहम्मद खान ने भी ये काम किया, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जब उन्हें दुआ करनी थी कोरोना की रोकथाम के लिए, उन्हें किसी से कुछ मांगना था तो उन्हें जाना चाहिए मस्जिद, और एक मुसलमान होने के नाते उन्हें खुदा से मांगना चाहिए, लेकिन इसके बजाय वो मंदिर गए और वहाँ उन्होंने भगवान महाकाल से मांगा। अब ऐसे में देखना यह है कि आरिफ मोहम्मद खान के बारे में लोगों की कैसी प्रतिक्रिया आती है, वो उन्हें सही ठहराते हैं या गलत ठहराते हैं।